करता हूँ। मेरा एक दोस्त ने रिक्वेस्ट किया है, जो फ्लावरिंग प्लांट्स शीत में विंटर में होते हैं, उसको अच्छे वाला ब्लूम कैसे लाऊं। हम जो नर्सरी में करते हैं वही बात मैं बताऊंगा, नर्सरी में कैसे करते हैं और ज़्यादा ब्लूम कैसे आते हैं उसके लिए। तो पहले बता दूँ, ये दो पार्ट में मैं करूँगा। पहले पार्ट होगा जो अभी जो लगाएंगे, अभी जो पार्ट लगाएंगे, नया प्लांट लगाएंगे उसके बारे में फर्स्ट पार्ट में होगा। दूसरा होगा सेकंड पार्ट में, जो लगा दिया है अपने उसका केयर कैसे करेंगे, उसमें ज़्यादा फ्लावर्स कैसे लगाएंगे इसके बारे में बताऊँगा। तो दो पार्ट में ये होगा। पहले पार्ट में क्या है, पहले पार्ट में आपको मिट्टी तैयार करना पड़ेगा। मिट्टी तैयार करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या क्या लेना पड़ेगा वो मैं बताता हूँ। देखिए मेरे पास क्या क्या है, ये है मिट्टी है, ये मिट्टी है एकदम अराउंड कास्ट करके रख दिया है। लेकिन ये मिट्टी आप यूज़ कर रहे हैं तो मैं एक बात बोल दूँ, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे रूट्स होते हैं, पुराना जो प्लांट था उसका रूट्स होता है, ये रूट्स हटा दीजिए। जितना भी रूट्स हटा रही है उतना ही अच्छा होगा, ये रूट्स हटा दीजिए। देखिए ये जो रूट्स है वो हटा दीजिए, रूट्स ज़्यादा होगा तो प्लांट का जो रूट्स है इसमें टक्कर खाएगा। टक्कर खाने के बाद वो उसमें डाइवर्ट कर लेगा, अपना अपना रूट डाइवर्ट कर लेगा, क्योंकि प्लांट एक प्लांट और प्लांट से कनेक्शन नहीं चाहते हैं तो डाइवर्ट कर लेगा। इसलिए कोई भी ऐसे होगा कुछ रूट्स को हटा दीजिए और मिट्टी को एकदम डस्ट टाइप के कर लीजिए ऐसे। हाँ तो उसे कर सकते हैं, आप कोई भी मिट्टी ले सकते हैं, आप क्ले सॉइल लीजिए, आप रेड सॉइल लीजिए, ब्लैक सॉइल लीजिए, कोई भी सॉइल, गार्डन सॉइल ले सकते हैं। एक हो गया सॉइल। सेकंड है बालू, आप जो बिल्डिंग सैंड है वो भी ले सकते हैं और जो रिवर सैंड है वो भी ले सकते हैं। तो बिल्डिंग सॉइल लेने से क्या होगा, बिल्डिंग सॉइल हम कम देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे, और रिवर साइन जो है वो थोड़ा ज्यादा देते हैं। तो उसके बाद क्या लगेगा, ये है कंपोस्ट। आप काउडंग कंपोस्ट लीजिए, लीप कंपोस्ट लीजिए, वर्मी कंपोस्ट लीजिए, जो भी हो, ये वर्मी कंपोस्ट है तो जो भी हो आप ले लीजिए। उसके बाद क्या चाहिए, उसके बाद हम लेंगे थोड़ा सा 15-15-15 फर्टिलाइजर। देखिए ये कंपलसरी नहीं है, आप दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन देने से अच्छा ही होगा। उसके बाद लगेगा, ओ एक बात बोलना भूल गया, मैं थोड़ा बेसिक बोल देता हूँ, वो भूल गया था। विंटर में जितना भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो तो कुछ महीने के लिए होते हैं, जल्दी से बड़ा हो जाता है, जल्दी से फूल लेके वो मुरझा जाते हैं। और इसका टाइम, फ्लावरिंग टाइम, फ्लावरिंग सीजन बहुत छोटा होता है, कुछ प्लांट तो रह जाते हैं होल ईयर, लेकिन मैक्सिमम ही मर जाते हैं, इतना गर्मी सह नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ये जल्दी से जल्दी सब कुछ कर देता है। जल्दी से जल्दी करने के लिए ये पहले वाला क्या है, इसको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, तकलीफ होने से ये जल्दी बड़ा नहीं होगा, जल्दी फूल नहीं आएगा, सभी प्रॉब्लम होगा। तो जल्दी बड़ा करने के लिए पहले रूट चाहिए, रूट अच्छा वाला रूट चाहिए। तो रूट ऐसे सॉइल चाहिए जिधर पूरा सॉइल जिधर पानी जल्दी से नीचे से निकल जाए, ऐसे सॉइल चाहिए, क्योंकि ये रूट रॉट हो जाएगा तो इसका एनर्जी चला जाएगा उसको मैं ठीक करने, उसको रिपेयर करने में, रूट को ठीक रिपेयर करने में चला जाएगा ज़्यादा के ज़्यादा एनर्जी, तो ये अच्छे से फूल नहीं होगा।
सेकेंड है, इसका रूट हेल्दी रहेगा तो क्या होगा, ये फ्लावरिंग में ज्यादा एनर्जी देगा। और सेकेंड पार्ट, नंबर टू है, एक प्लांट में, एक स्टेम में शायद आप दो फूल पा सकते हैं, सब सब जस्ट एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन 10 स्टेम होगा, 10 ब्रांचेस होगा, तो 20 फ्लावर्स मिलेगा। तो ब्रांचेस जितना भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते, जितना भी ज्यादा ब्रांचेस होगा इतना ही फूल आएगा, लेकिन वो जो फ्लावर उसका साइज थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, क्योंकि उसका एनर्जी सब प्लांट सब फ्लावरिंग में बढ़ जाएगा, तो थोड़ा सा छोटा आएगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा छोटा आएगा। लेकिन इसको ठीक से खाना देने से फूल भी बड़ा होगा और बहुत सारे फूल भी आएगा। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए मैं बोल देता हूँ। पहले तो बोल दिया, मिट्टी चाहिए, बालू चाहिए, कंपोस्ट चाहिए, उसके बाद ये एनपीके चाहिए, एनपीके 15-15-15-15। उसके बाद एक और तीन चीज चाहिए, एक है ये सुपर फॉस्फेट, सिंगल लीजिए, डबल सुपर फॉस्फेट लीजिए, ये सुपर फॉस्फेट चाहिए चाहिए चाहिए। उसके बाद चाहिए पोटास, ये है पोटास, पोटास लीजिए, और चाहिए डीएपी, ये देखिए ये डीएपी है, ये डीएपी चाहिए, और कोई भी फर्टिलाइजर नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, हम इसको कैसे मिट्टी तैयार कर सकते हैं वो ही दिखाऊंगा। देखिए हम सब इक्वल पार्ट में लेंगे, कैसे लेंगे, एक मिनट, वन पार्ट गार्डन सॉइल, मैं दोनों हाथ इक्वली यूज करता हूँ, मत सोचिए एक कुछ, वन पार्ट गार्डन सॉइल ले लिया, ये बिल्डिंग सैंड है, तो ये हाफ पार्ट लेंगे, एक हाफ पार्ट लेंगे, जैसे कंपोस्ट है एक पार्ट लेंगे, ये जो सुपर फॉस्फेट है, सॉरी ये जो एनपीके है, ये चाय का चम्मच, चाय का चम्मच जो है, चाय का चम्मच एक और दो, ये मैं बोल रहा हूँ पहले वाला मिट्टी जो नया पौधे लगाएंगे उसके लिए, जो इसका पौधा ऑलरेडी लग गया है, बड़ा हो रहा है, उसके लिए थोड़ा और कुछ है। नंबर टू, सुपर फॉस्फेट 1 TSP, 1 चाय चम्मच, पोटास 1/2 चाय चम्मच। आप जब भी जिधर भी सुपर फॉस्फेट दीजिए उससे आधा पोटास दीजिए। उसके बाद डीएपी 1 चम्मच, बस हो गया हमारा, ये मिक्स कर लूंगा। सबसे अच्छा होगा ये जो मिट्टी का बड़ा जो टुकड़ा है ऐसे, इसको जितना भी बड़ी कर चाहे कर लीजिए, इतना भी डस्ट टाइप का कर चाहे कर लीजिए, ज्यादा बड़ा होगा तो प्लांट को, प्रिंट को दिक्कत आएगा। क्या हमारा मिट्टी तैयार,
इस मिट्टी में नहीं तो पानी जमेगा, इस मिट्टी में नहीं तो कुछ ज़्यादा फंगस के अटैक होगा, क्योंकि पानी ज़्यादा नहीं रहेगा तो फंगस का अटैक ज़्यादा नहीं होगा, एलगी का अटैक भी ज़्यादा नहीं होगा। इसमें फार्मी कंपोस्ट दिया है, इसको खाना मिलेगा। देखिए वार्म मीन्स वार्मी कंपोस्ट से आया है, वार्मी कंपोस्ट में डाल दूंगा। ओके तो इसमें खाना मिलेगा, और जो विंटर सीजन का फ्लावर्स है उसको जल्दी खाना चाहिए, जल्दी जितना जल्दी जितना ज़्यादा खाना मिलेगा उतना ही ग्रो करेगा, उतना ही आपको फूल देगा। और नाइट्रोजन क्या करता है, प्लांट तैयार करता है, प्लांट बेस तैयार करता है, प्लांट स्टेम तैयार करता है, पत्ता। देखिए मेरे पास क्या क्या है, ये है मिट्टी है, ये मिट्टी है एकदम अराउंड कास्ट करके रख दिया है, लेकिन ये मिट्टी आप रीयूज कर रहे हैं तो मैं एक बात बोल दूँ, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे रूट्स होते हैं, पुराना जो प्लांट था उसका रूट्स होता है, ये रूट्स हटा दीजिए, जितना भी रूट्स हटाएंगे उतना ही अच्छा होगा। ये रूट्स हटा दीजिए, देखिए ये जो रूट्स है वो हटा दीजिए, रूट्स ज़्यादा होगा तो प्लांट का जो रूट्स है इसमें टक्कर खाएगा, टक्कर खाने के बाद वो उसमें डाइवर्ट कर लेगा, आपका अपना रूट डाइवर्ट कर लेगा, क्योंकि प्लांट एक प्लांट और प्लांट से कनेक्शन नहीं चाहते हैं तो डाइवर्ट कर लेगा, इसलिए कोई भी ऐसे होगा कुछ रूट्स को हटा दीजिए और मिट्टी को एकदम डस्ट टाइप का कर लीजिए ऐसे। हाँ तो उसे कर सकते हैं, आप कोई भी मिट्टी ले सकते हैं, आप फ्री सॉइल लीजिए, आप रेड सॉइल लीजिए, ब्लैक सॉइल लीजिए, कोई भी सॉइल, गार्डन सॉइल ले सकते हैं। एक हो गया सॉइल, सेकंड है बालू, आप जो बिल्डिंग सैंड है वो भी ले सकते हैं, और जो रिवर सैंड है वो भी ले सकते हैं। तो बिल्डिंग सॉइल लेने से क्या होगा, बिल्डिंग सॉइल हम कम देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे, और रिवर सैंड जो है वो थोड़ा ज़्यादा देंगे। उसके बाद क्या लगेगा, ये है कंपोस्ट, आप काउडंग कंपोस्ट लीजिए, लीफ कंपोस्ट लीजिए, वर्मी कंपोस्ट लीजिए, जो भी हो, ये वर्मी कंपोस्ट है तो जो भी हो आप ले लीजिए। उसके बाद क्या चाहिए, उसके बाद हम लेंगे थोड़ा सा 15-15-15 फर्टिलाइजर। देखिए ये कंपल्सरी नहीं है, आप दे सकते हैं नहीं दे सकते, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन देने से अच्छा ही होगा। उसके बाद लगेगा, ओ एक बात बोलना भूल गया, मैं थोड़ा बेसिक बोल देता हूँ, वो भूल गया था। विंटर में जितना भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो तो कुछ महीने के लिए होते हैं, जल्दी से बड़ा हो जाता है, जल्दी से फूल लेके वो मुरझा जाते हैं, और इसका टाइम फ्लावरिंग टाइम फ्लावरिंग सीजन बहुत छोटा होता है, कुछ प्लांट तो रह जाते हैं होल ईयर, लेकिन मैक्सिमम ही मर जाते हैं, इतना गर्मी सहन नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए ये जल्दी से जल्दी सब कुछ कर देता है। जल्दी से जल्दी करने के लिए ये पहले वाला क्या है, इसको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, तकलीफ होने से ये जल्दी बड़ा नहीं होगा, जल्दी फूल नहीं आएगा, सभी प्रॉब्लम है। तो जल्दी बड़ा करने के लिए पहले रूट चाहिए, रूट अच्छा वाला रूट चाहिए, तो रूट ऐसे सॉइल चाहिए जिधर पूरा सॉइल जिधर पानी जल्दी से नीचे से निकल जाए, ऐसे सॉइल चाहिए, क्योंकि ये रूट रॉट हो जाएगा तो इसका एनर्जी चला जाएगा उसको मैं ठीक करने, उसको रिपेयर करने में, रूट को ठीक रिपेयर करने में चला जाएगा ज़्यादा के ज़्यादा एनर्जी, तो ये अच्छे से फूल नहीं होगा।
सेकेंड है इसका रूट हेल्दी रहेगा तो क्या होगा, ये फ्लावरिंग में ज्यादा एनर्जी देगा। और सेकेंड पार्ट नंबर टू है, एक प्लांट में एक स्टेम में शायद आप दो फूल पा सकते हैं, सब सब जस्ट एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन 10 स्टेम होगा, 10 ब्रांचेस होगा तो 20 फ्लावर्स मिलेगा। तो ब्रांचेस जितना भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं बढ़ा सकते, जितना भी ज्यादा ब्रांचेस होगा इतना ही फूल आएगा, लेकिन वो जो फ्लावर उसका साइज थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, क्योंकि उसका एनर्जी सब प्लांट सब फ्लावरिंग में बढ़ जाएगा, तो थोड़ा सा छोटा है, ज्यादा नहीं थोड़ा सा छोटा है, लेकिन इसको ठीक से खाना देने से फूल भी बड़ा होगा और बहुत सारे फूल भी आएगा। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए मैं बोल देता हूँ, पहले तो बोल दिया मिट्टी चाहिए, बालू चाहिए, कंपोस्ट चाहिए, इसके बाद ये एनपीके चाहिए, एनपीके 15-15-15-15। उसके बाद एक और तीन चीज चाहिए, एक है ये सुपर फॉस्फेट, सिंगल लीजिए डबल सुपर फॉस्फेट लीजिए, ये सुपर फॉस्फेट चाहिए चाहिए चाहिए। उसके बाद चाहिए पोटास, ये है पोटास, पोटास लीजिए, और चाहिए डीएपी, ये देखिए ये डीएपी है, ये डीएपी चाहिए, और कोई भी फर्टिलाइजर नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, हम इसको कैसे मिट्टी तैयार कर सकते हैं वो ही दिखाऊंगा। देखिए हम सब इक्वल पार्ट में लेंगे, कैसे लेंगे, एक मिनट, वन पार्ट गार्डन सॉइल, मैं दोनों हाथ इक्वली यूज करता हूँ, तो मत सोचिए कुछ, वन पार्ट गार्डन सॉइल ले लिया, ये बिल्डिंग सैंड है तो एक हाफ पार्ट लेंगे, एक हाफ पार्ट लेंगे, ये जो कंपोस्ट है एक पार्ट लेंगे, ये जो सुपर फॉस्फेट है सॉरी ये जो एनपीके है, ये चाय का चम्मच, चाय का चम्मच जो है, चाय का चम्मच एक और दो, ये मैं बोल रहा हूँ पहले वाला मिट्टी जो नया पौधे लगाएंगे उसके लिए, जो इसका पौधा ऑलरेडी लग गया है बड़ा हो रहा है उसके लिए थोड़ा और कुछ है। नंबर टू सुपर फॉस्फेट 1 TSP 1 चाय चम्मच, पोटास 1/2 चाय चम्मच। आप जब भी जिधर भी सुपर फॉस्फेट दीजिए उससे आधा पोटास दीजिए। उसके बाद डीएपी 1 चम्मच, बस हो गया हमारा, ये मिक्स कर लूंगा। सबसे अच्छा होगा ये जो मिट्टी का बड़ा जो टुकड़ा है ऐसे, इसको जितना भी बड़ी कर चाहे कर लीजिए, इतना भी डस्ट टाइप का कर चाहे कर लीजिए, ज्यादा बड़ा होगा तो प्लांट को रूट को दिक्कत आएगा। मिट्टी तैयार,
इस मिट्टी में नहीं तो पानी जमेगा, इस मिट्टी में नहीं तो कुछ ज़्यादा फंगस के अटैक होगा, क्योंकि पानी ज़्यादा नहीं रहेगा तो फंगस का अटैक ज़्यादा नहीं होगा, एल्गी का अटैक भी ज़्यादा नहीं होगा। इसमें फार्मी कंपोस्ट दिया है, इसको खाना मिलेगा। देखिए वार्म मीन्स वार्मी कंपोस्ट से आया है, वार्मी कंपोस्ट में डाल दूंगा। ओके तो इसमें खाना मिलेगा, और जो विंटर सीजन का फ्लावर्स है उसको जल्दी खाना चाहिए, जल्दी जितना जल्दी जितना ज़्यादा खाना मिलेगा उतना ही ग्रो करेगा, उतना ही आपको फूल देगा। और नाइट्रोजन क्या करता है, प्लांट तैयार करता है, प्लांट बेस तैयार करता है, प्लांट स्टेम तैयार करता है, पत्ता। थैंक यू, ये वीडियो आपका अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, हमारा अगला वीडियो देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, और बेल बटन क्लिक कर लीजिए, और आपने अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, लोगों को फ़ायदा भी होगा और आपको दोस्त को ये वीडियो भी मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।